तभी तो भैया वोट पलटेंगे अपनी तरफ। वो किसान को किसान का भला ही चाहिए, उसको बीजेपी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं भैया, समझे कि नहीं। ये बात सही है, कौन आत्महत्या करने को बैठा है यार, वो तो ये देखेगा कि भैया चार लोग बैठ के तय करेंगे, बाहर में जाने दो यार बीजेपी बीजेपी। ये देख कि ये कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कमलनाथ जी ने, कमलनाथ जी कभी झूठ नहीं बोलते, कमलनाथ जी ने बोल दिया कि भैया इनकी सरकार बनते बराबर पहला निर्णय यदि कोई होगा तो किसानों के कर्ज माफी का होगा, है कि नहीं। और दूसरा ये दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी तो वही करते थे जो कमलनाथ जी बोलते थे। दिग्विजय सिंह की कोई ताकत थी क्या कि कमलनाथ जी के बाहर जाए। दिग्विजय सिंह जी को बोला कमलनाथ जी ने, अरे संतरे की फसल खराब हो गई है, चलो इनको मुँह आगे बांटो। उन्होंने कहा बजट में है नहीं प्रावधान। बोले बजट कौन बनाता है, सरकार मेरी सरकार है, तू कर सकता कि नहीं कर सकता। उसको बात समझ में आ गई कि मैंने यदि इनकी बात नहीं मानी तो एक मिनट में मेरे को हटा देगा मुख्यमंत्री से। तो 7 करोड़ रुपया भैया अकेले पांडुरा को मिला। ये आप लोग कहा हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हमने चेक बांटे एसडीएम साहब ने और मैंने वो चेक बांटे अपने किसानों को अपने संतरे के। तो जो किसानों की चिंता करता है, जो किसानों की फिक्र करता है, वो है कांग्रेस पार्टी। ये अपने को गांव गांव में प्रचार करना है। फिर देखो आप कौन देता है बीजेपी को, कोई नहीं देता उसको कोई लेना देना। टीवी में क्या आ रहा था, अरे टीवी तो सारी खरीदी है बीजेपी वालों ने, क्योंकि प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट वाले का क्या भाई, दुकान खुली हुई है, जो ज्यादा पैसा देगा उसका गुण गाएगा, है कि बात सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात है। तो वो अब टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया, टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि ये सुनो मेरी बात।